पश्चिम बंगाल में रामनवमी के त्योहार से पहले कई पुलिस थाने किसी भी सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए हाई अलर्ट पर हैं। हिंदू जागरण मंच कथित तौर पर राज्य के सभी जिलों में वार्ड या पंचायत स्तर पर लगभग 5000 धार्मिक शोभा यात्राएं निकालेगा। RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित संगठन ने बारासात, सिलीगुड़ी और कोलकाता के बड़ा बाजार में बड़ी शोभा यात्राएं निकालने की भी योजना बनाई है। हुगली, हावड़ा, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर, आसनसोल और बैरकपुर में जिला प्रशासन भी अलर्ट पर है, जहां पहले भी रामनवमी के उत्सव के दिन सांप्रदायिक तनाव हुआ था। पुलिस ने कहा है कि कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति से सख्ती से निपटा जाएगा। बता दें कि पिछले साल 30 मार्च को हावड़ा में हालात बेकाबू हो गए थे और बाद में यह दो अन्य जिलों उत्तरी दिनाजपुर और हुगली में हिंसा फैल गई, जिसमें 10 लोग घायल हो गए थे। इस बीच हिंदू जागरण मंच ने कहा कि उसे उम्मीद है कि बुधवार को रामनवमी की शोभा यात्राओं में लाखों लोग शामिल होंगे। हिंदू जागरण मंच के सदस्य शुभजीत रॉय ने मंच से बताया, हमारी कुछ शोभा यात्राओं में लाखों लोग के भाग लेने की संभावना है। यह हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। जहां तक कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात की है तो पुलिस को इसका ध्यान रखना चाहिए।